ट्यूशन है, उम्मीद करती हूँ आज सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं जी। आज हम लोग जा रहे हैं कोस्टको और कुछ हमें घर की शॉपिंग करनी है। और मैंने कहा अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूँ कि आज हम लोग किधर जा रहे हैं और क्या शॉपिंग कर रहे हैं। तो आज थोड़ा मौसम कुछ इस तरह से है, तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद मी जी। वर्स हम तो कोस्टको पहुँच गए। अच्छा वर्स मैं ये भी बता दूँ कि आज मैंने कोस्टको इसलिए चूज़ की क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो उनके लिए भी मैंने कहा एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी कि आजकल कोस्टको में क्या नई चीज़ आ गई है और क्या उनके रेट्स है, इज इट गुड थिंग कि यहाँ पे आके हम लोग शॉपिंग कर लें। और दूसरी चीज़ ये जो पाकिस्तान में रहते हैं, दूसरे ममालिक में रहते हैं, उनके लिए भी एक आइडिया हो जाएगी कि वो लोग देख ले कि भाई यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपनी मौजूद होता है जो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं रेजिडेंट्स को, और इनके रेट्स क्या होते हैं और इसमें क्या और चीज़ें मौजूद होते हैं। तो मैं ऐसे आप सभी को बता दूंगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन मौजूद था जहाँ पे टीवी सारे गैजेट्स मौजूद थे। और ये भी बता दूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रेट्स होते हैं कोस्टको में और दूसरे शॉप्स में ऑलमोस्ट सेम होते हैं क्योंकि वो होलसेल में ही वो लोग बेचते हैं, तो उनमें 19-20 का फ़र्क होता और ज़्यादातर होता ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो है शॉपिंग की है, चाहे वो टीवी हो, जूसर हो, वैक्यूम हो, तो हम लोगों ने यहाँ से की है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में उनके रेट्स उतने फ़र्क नहीं होते। और ये जो आप देख रहे हैं लैपटॉप, ये सारे न्यू कलेक्शन थी। और मेन चीज़ जो मेरा फेवरेट है वो है ज्वेलरी। ज्वेलरीज में बहुत ही खूबसूरत के डायमंड सेट और दूसरे जो गोल्ड के ही तो ये बहुत थे लेकिन डायमंड के यहाँ पे ज़्यादा थे। और ये भी बताता चलूँ यहाँ के जो डायमंड्स हैं बेटर होते हैं दूसरे शॉप से, इनके जो कैरेट्स होते हैं वो हाई होते हैं और बिल्कुल न्यू और खूबसूरत डिज़ाइंस मौजूद हैं यहाँ पे। मैंने कई बार यहाँ पे आके देख ली और दूसरे शॉप से कंपेयर कर ली, वहाँ के जो कैरेट्स होते हैं डायमंड के वो उतने ख़ास नहीं होते और जो उनके पॉलिसीज होते हैं वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं नस्बत यहाँ के पॉलिसीज से। तो मैंने कहा ये बाद में दिखाऊँ कि ये पहले दूसरी जगह आपको मैं टूर करवा दूँ, विज़िट कराऊँ शॉप की। तो यहाँ पे जो जितने भी सेक्शन आ रहे थे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप काउंट कर सकते हैं घर के जितने ही सामान होते हैं, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे चीज़ों से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट्स हाई होते हैं क्योंकि यहाँ के जो क्वालिटी के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल बेस्ट। ये नहीं होता कि आप एक साल इस्तेमाल करें और एक साल के अंदर वो काम करना बंद कर दें, नहीं, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंपनी के ही मौजूद होते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैं ये क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने दूसरे शॉप से शॉपिंग की है जो कि एक साल के अंदर ही ख़राब हो रहे थे जी। ये जो सिलाई की मशीन थी वो मेरी फेवरेट क्योंकि मुझे सिलाई भी पसंद है और मैं करती भी हूँ। तो ये जो है यहाँ की सिलाई की मशीन बिल्कुल आपको लाइट वेट मिलता है, लेकिन जो मेन बात है ये जो हम लोग कपड़े सीते हैं और उसमें जो मौजूद होते हैं फैब्रिक, तो पतला होता है भी मोटा, तो पतला तो सभी सी लेते हैं लेकिन मोटे जो कपड़े वो थोड़े बहुत सिलाई मशीन सी लेते हैं, जिसमें ये सिलाई मशीन जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं वो मोस्टली जो वो ब्रांड्स होते हैं कंपनी आप कर सकते वो नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि आप ना लें, बिल्कुल आप कंफर्म कर लें तब जाके आपने लेना होगा, अदरवाइज वो बिल्कुल यूजलेस होते हैं क्योंकि वो मोटे कपड़े को सिलाई नहीं कर सकते, जो फैब्रिक होता है टिक वो नहीं करते। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी जो प्रेशर कुकर था, राइस कुकर यहाँ पे भी मौजूद है
और यहाँ पे इनके रेट्स बहुत ही हाई थी नस्बत दूसरे शॉप से। तो आप जो आप कह सकते हैं प्रेशर कुकर यहाँ से भी ले सकते हैं, बट इट्स हाई, लेकिन आप दूसरे शॉप से ले सकते हैं, वहाँ की प्रेशर कुकर भी बेस्ट है। और ये जो मैं दिखा रही था आपको ग्लेंडर जूसर, ये बिल्कुल बेस्ट है, हम लोगों ने ली है और अभी तक माशाल्लाह से काम करे, बिल्कुल A1 और सारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी और कंपनी के मौजूद हैं यहाँ पे। और ये कॉफ़ी मशीन जिनको शौक है, भाई मुझे तो शौक नहीं कॉफ़ी की, मैंने उतनी इंटरेस्ट नहीं दिखा इसमें। हाँ यहाँ पे जो क्रॉकरी के सामान मौजूद हैं, जो हम लोग देसी लोग हैं हमारे लिए तो बिल्कुल फिट नहीं है भाई, क्यों, ये तो बहुत ही लिमिटेड इनके सेट्स होते हैं, साइज भी छोटे होते हैं और डेली यूज में इतना महंगा क्रॉकरी लेना तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होता भाई। और मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ, उनको भी एक्सपीरियंस हो जाए कि इनके क्रॉकरी में क्या मौजूद है, आप लोग भी अंदाज़ा लगा ले भाई, सभी के रेट जो है बहुत ही हाई थी। और यहाँ पे देख ले चार प्लेट्स थोड़ी बहुत इस पर डिज़ाइन और मुख्तलिफ डिज़ाइन जो हमें पसंद बिल्कुल नहीं आ रही थी और बिल्कुल लिमिटेड थी इनकी क्रॉकरी। और मैंने क्रॉकरी नहीं ली यहाँ से क्योंकि आपको पता है ये क्रॉकरी लेना यहाँ से इतना महंगा पड़ जाता है, जो कि फ़ायदा ही नहीं यहाँ से लेना, तो ऑप्शन बहुत ही क्रॉकरी की, तो ये आपकी मर्जी। हाँ अलबत्ता मुझे ये जो टी सेट है मुझे तो इतना पसंद आ गई थी कि घर आते ही मैंने सोचा कि बाबा से जिस वजह के लिए भाई मुझे इतना पसंद है, दिल चाहता ले लूँ, बट अगेन मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी तो आप लोगों को दिखाता है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर लूँगी। और यहाँ पे थे अलाइट और वॉशरूम टॉयलेट्स के जो सामान वो मौजूद थी भाई, ये जो सेक्शन था ये थे सारे टॉयस के। और यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़े बहुत दिखा दूँ कि यहाँ पे टॉयस तो मौजूद है बड़े ह्यूज साइज में और इनके प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा थी, तो मैंने कहा टॉयस से पहले मैं जाऊँ आपको दिखा दूँ जो ग्रोसरी के सामान होते हैं। एक चीज़ ये भी बता दूँ जो ग्रोसरीज के सामान होते हैं ये लोग जो बेचते हैं ना कि सिर्फ एक ही पीस आपको देंगे, बल्कि ये लोग जो है लार्ज अमाउंट में सेल करते हैं, ज़्यादातर जैसे आप कहें एक पैकेट में जिसमें होंगे 30 पीसेस 20 पीसेस 10, तो ये एक करके नहीं बेचते, ये पूरे एक कॉटन बेचते हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो जो ये छोटे छोटे चीज़ें होते हैं स्मॉल साइज में सॉल पैकेज में मिलते हैं दूसरे शॉप से, यहाँ पे ऐसा नहीं होता जिसे आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे फर्नीचर्स भी मौजूद है, मैंने फर्नीचर्स जो देखा है यहाँ पे बहुत ही ह्यूज साइज में, जो कि फिट नहीं आता भाई, यहाँ के लिविंग रूम आजकल इतने छोटे होते हैं कि सारा जो फर्नीचर ये हम लोग डाले कवर हो जाएगा इससे। और एक मुझे स्टॉलर बहुत ही पसंद आया साथ में लैम्प्स, ये लैम्प्स जो है आप देख सकते हैं, ये मेरे जो घर की टीम के साथ जा रही थी तो दिल चाह रहा था ले लूँ, बट मैंने कहा अभी इतना जगह नहीं है, अपने इसके लिए जगह बना लूँ तब लूँगी। ये माशाल्लाह ये साइड लैम्प जो इसमें डायमंड के जो उन्होंने डिज़ाइन बनवाए थे टू गुड, और साथ में जो ये बड़ा लैम्प था ये तो मेरा बहुत ही जी चाह रहा था ले लूँ, बट अगेन वही बात है कि इंसान को पहले कंफर्म करनी चाहिए इसे कहाँ पे रखनी है कैसे रखनी है, तब इंसान को जाके लेना चाहिए, ना कि सिर्फ उठा के ले आए फिर बाद में मुश्किल सही प्लेस नहीं मिलता इसे रखने के लिए। सो ये थी सारी घर की चीज़ें, फिर मैंने कहा थोड़ी बहुत आपको टूर करवाऊँ यहाँ के थोड़े बहुत ही फर्नीचर्स, ये एक अदद बेड पड़ी हुई थी उतना ख़ास नहीं लगी मुझे, तो साथ में थे ये मैंने कहा कि टॉयस के जो सेक्शन थी वो आके आपको दिखा दूँ। टॉयस के अलावा स्टेशनरीज के सामान भी मौजूद थे, इतने सारे बुक्स बच्चों के लिए, किड्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, और हाँ ये जो मैंने देखा था ये मसाज वाली चेयर, दिल चाह रहा था कि वहीं पर बैठ जाऊँ थोड़ी बहुत मसाज कर, अगेन जो मेरे पास टाइम ही नहीं थी इन चीज़ों के लिए, तो मैंने कहा क्योंकि आप मुझे वीडियो करना है, और ये आउटडोर की जो के लिए फर्नीचर मुझे जो कि बहुत ही पसंद आए, लेकिन आउटडोर के लिए फर्नीचर लेना यहाँ पे एक बात है कि आपके जो आउटडोर है थोड़ा बहुत शेयर्स होनी चाहिए, अदरवाइज धूप में बारिश मेरे को वो फर्नीचर का सत्यानाश हो जाता है,
तो ये थे सारे टॉयज बच्चों के, इतने ह्यूज साइज में, भाई इतने बड़े टॉयज घर में रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसमें खा के जल्दी दिखा दो, ये ना जोर उठ जाए पे वो शोर मचाती है कि भाई मुझे दे दो। तो वहाँ से निकलते हैं, ये दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे मैंने आया तो देखा कुछ समझ नहीं आया था ये तो क्या है, और मैंने कभी भी देखा, फिर बाद में समझ ओहो ये तो सारे जो आटे होते हैं ये वो यहाँ पे मौजूद हैं, हर ब्रांड्स के, हर कंपनी के, डिफरेंट कंट्रीज के मौजूद थे, साथ में थी ऑयल्स मौजूद थे साथ में ऑयल्स। और हाँ मैंने ये भी बता दूँ, यहाँ के जो ऑयल्स होते हैं खाने कुकिंग ऑयल्स बिल्कुल आपको रिजनेबल प्राइस मिलता है, दूसरे जगहों पे अगर सपोज 26-24 के जो होते हैं डॉलर्स में, यहाँ पे आपको 12-13 डॉलर्स आपको मिल जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक भी आपको मुनासिब रेट में मिल जाते हैं। लेकिन आपको मैं दोबारा कहूँ, ये जो है एक नहीं बेचते, पूरे पैक बेचते हैं, यहाँ पे फ्रोजन वेजिटेबल्स जो कि बिल्कुल बेस्ट है, ओकरा जो हम कहते हैं भिंडी, भिंडी जो है यहाँ पे इतने सस्ते में कि हम सस्ते नहीं कह सकते, मुनासिब रेट कह सकते हैं, जो कि है $11 और इतना बड़ा पैक, क्योंकि मैंने इंडियन ग्रोसरी से भी की है सब्ज़ी की, और दूसरे जो यहाँ के होते हैं मैन ग्रोसरी शॉप्स वहाँ से भी की है, तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ पे आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो मैं वही देख रही थी कि मैं यहाँ से और क्या ले सकती हूँ। तो यहाँ से निकलते ही मुझे नेक्स्ट जो जानी थी वहाँ पे थी सारे कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस, तो जूसेस भी यहाँ पे मिल जाते हैं, बट अगेन आप उसे एक मंथ में, स्पेशली जो हमारे फैमिली बहुत छोटे हैं वो एक मंथ में इतने बड़े कार्टून को फिनिश नहीं कर सकते, तो हमारे लिए तो थोड़ा सा ये नहीं आता है कैटेगरी में। तो यहाँ पे थे सारे स्नैक्स वगैरह भी, और इसके साथ ही एनर्जी ड्रिंक्स आप कह सकते हैं, और स्नैक्स में भी भाई देख ले इतना बड़ा साइज के जो थे स्नैक्स जिसमें आते हैं चिप्स वगैरह, और मैंने कहा एक ले लूँ क्योंकि हम लोग इतने नहीं लेते आजकल, मैं भी डाइट पे हूँ और ज़रा के बाबा भी अभी उन्होंने लेना थोड़ा कम कर लिया है, बस मैं देख रही थी कि कौन कौन से इसमें वाइटी मौजूद है, और इसमें एक थी ये स्पाइसी जो हम लोग थोड़ा खा लेते हैं, बट अगेन मैंने कहा कि नहीं भाई इतना बड़ा साइज लेना, क्योंकि बाद में उसे ओपन करके रख देने से वो उसका जो जायका है वो बदल जाता है, तो बेहतर है इंसान छोटे पैक में ही लें। और ये मैं चेक रही थी इसका इसमें कौन सा फ्लेवर है, बारबेक्यू फ्लेवर, यहाँ के बारबेक्यू फ्लेवर पता नहीं कितना डिफरेंट होता है, जो हमारे टेस्ट बार से बिल्कुल मैच ही नहीं करता, तो मैंने नहीं लिया वहाँ से, मुझे एक दिल चाह था ये ले लूँ, भाई अगेन मैंने कहा नहीं भाई इतने बड़े साइज लेके क्या करना है, बस मैंने कहा एक नज़र डालू आपको भी दिखा दूँ कि इसमें और कौन कौन से ये जो स्नैक्स वगैरह मौजूद हैं, और ज़्यादातर तो हम लोग खा ही नहीं सकते, इसमें एक दो होते हम लोग खा लेते हैं, और दूसरे तो हमारे जो इसमें आते हैं कि खाना तो डिफ़िकल्ट होता है, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ। फिर यहाँ से जो हम लोग निकल गए थे वो थे सारे डेरी फार्म जो हम लोग कहते हैं, डेरी के सामान मौजूद थे जिसमें थे ब्रेड्स, लिटिल बिट्स इसमें कहते हैं जो एग्स होते हैं फ्रोजन, और इसमें फ्रेश मिल्क होता है, और फ्रोजन जो के सामान होते हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ से एक लेते हैं, और क्योंकि यहाँ के जो एग होते हैं थोड़ा सा लार्ज साइज में और बिल्कुल फ्रेश, जो उनका एक्सपायरी डेट होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है नस्बत दूसरे जगहों से, और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट के सारे स्नैक्स मौजूद थे और वही चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी, और मैं तो लेती नहीं ये चीज़ें यहाँ से क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं हैं, क्योंकि बच्चे सारे जो होते हैं ज़्यादा मोस्टली बच्चे पसंद करते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, हम लोग तो खाते नहीं हैं, इतना पसंद नहीं है भाई, हम लोग तो देसी लोग हैं, हमें तो चाहिए सुबह के नाश्ते पराठा आमलेट छोले ये सारी चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, ये कह के तो मुझे भी तो भूख लगी भाई। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे वही मैंने कहा था कि सुबह के जो ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते हैं वही चीज़ें मौजूद थी, ये भी आप जैसे देखे कितने बड़े बड़े साइज में पैकेट में मौजूद हैं,
तो ये जगह सबसे बेस्ट है, जिनके फैमिली मेंबर ज़्यादा हो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट प्लेस है, क्योंकि जो प्राइस है उनके लिए बिल्कुल रिजनेबल होता है, मुनासिब होता है भाई। और दूसरी यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद थी, फ्रोजन मीट्स, हर तरह के मीट्स हैं, बट अगेन जो अगर हलाल हो तो खा सकते, अदरवाइज नहीं। और मैंने तो देखा भी नहीं कि जो मीट्स है हलाल है कि नहीं, क्योंकि ये नहीं कभी, और मैं तवज्जो भी दी नहीं कि मैं चेक कर लूँ। यहाँ पे डिटर्जेंट्स के सामान थे जो कि बी यूज साइज, लेकिन ये ले सकते हैं हम लोग क्योंकि डिटर्जेंट्स के सामान इतने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम बच्चों की वजह से बार बार हमें कपड़े धोने पड़ते हैं और तो जल्दी ख़त्म होता है, तो यहाँ से भी लेना ये चीज़ गुड है। तो जो मैं बता रहे थे आपको, एग, फ्रेश मिल्क और जो फ्रेश फूड्स होते हैं वो इस एरिया में मौजूद होता है, और बहुत ही ठंडी, मैं जोया को वहाँ पे नहीं ले जा सकी कि वो सो रही थी, मेरे को ठंड ना लगे, तो मैंने वहाँ से वापस से आ गई कि आपको दूसरी जगह दिखा दूँ जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ें मौजूद थी, और जहाँ पे चीज़ मौजूद थी और बेकरी के सामान चीज़ें मौजूद थे, तो इसी डेयरी के करीब ही मौजूद थे वो सेक्शन। और जो चीज़ मैंने यहाँ से ली, मैंने फर्स्ट टाइम ली है, वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मौजूद थी, क्योंकि वो इतना फ्रेश और 1 kg आलमोस्ट $14 के आसपास थे, और जो हम लोग लेते हैं दूसरे शॉप से इतने थोड़े होते हैं उसके जो मकदार कहें आप। और यहाँ पे तो बहुत ही बेस्ट थी, मैंने कहा भाई ये तो हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो बेकिंग में हो चाहे वो कुकिंग में हो। तो यहाँ से मैंने पनीर ले ली और आपको भी दिखाऊंगी वो कौन सी है। तो ये देख लें आप इस सेक्शन, यहाँ पे जितने भी आपको देंगे कि फ्रोजन के खाने होंगे, और साथ में यहाँ पे आप खा भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग बना रहे थे पता नहीं चिकन के कुछ डिफरेंट वैरायटी के मेन। और यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें मौजूद थी, बट अगेन जो हम लोग थोड़े बहुत ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा यहाँ पे इनके जो पैकेट पे लिखा होता है, जो जो प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं वो लिखे होते हैं उसके ऊपर, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, देन आपको लेना होगा, क्योंकि कभी कभार हमें तो ये चीज़ की परेशानी होती है। और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए कि आप इसमें जो कुछ ऐड है वो आपके मुताबिक है भाई, हलाल है कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने बहुत ही देख ली, अमूमन तो चीज़ हलाल ही होता है, फिर अगेन मैंने देखा कि नहीं भाई बेस्ट है हमारे लिए, तो मैंने ले ली और रख दी। और साथ में मैंने ये भी बता दूँ जो मैंने ली थी वो थी पिज़्ज़ा के बेसिस। अच्छा फिर वो जो मैंने शॉपिंग की है वो ऐड बता दूंगी, तो पहले आपको मैं यहाँ की थोड़ी बहुत आइडिया दे दूँ। ये जो बारबेक्यू के जो लड़के हुए थे स्टोव, ये सारे बेस्ट हैं, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हमारा जो खाने का जायका आता है वो भाई जो हम लोग इतने ख्वारी करते हैं जामत करते हैं उसी से आ जाता है। ये चीज़ें लेके हमारे लिए थोड़ा वो होता है इजी, और फिर सुस्ती पड़ जाते हैं, इतने भी इंसान सुस्ती ना कर ले, थोड़ा सा मेहनत भी करनी चाहिए तो इंसान एक्टिव भी रहता है इन चीज़ों से। तो ये आप सामने देख रहे, वो लोग बना रहे थे, चरखा बना रहे थे, पता नहीं क्या बना रहे थे अपने हिसाब से, तो ये वहाँ पर मौजूद है। और ये चीज़ भी थी यहाँ, और साथ में यहाँ पे जो बेकरी के सामान थे वो थे केक, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत के केक, और अगेन लार्ज साइज़ में आप कहें यू साइज में कहें मौजूद थे। तो मैं यहाँ पे वो भी नोट कर रही थी कि भाई जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड होते हैं वो हम ले सकते हैं कि नहीं, खा सकते हैं कि नहीं। तो अगेन नहीं, हम लोग नहीं खा सकते, ज़्यादातर जो इसमें ऐड होते हैं उसमें थे जेलेट हैं, पता नहीं किस चीज़ की जेलेट हैं, जो फार्मूला हम लोग जो मौजूद होता है हलाल के
वो फॉर्मूला भी इसमें ऐड नहीं था, तो सिर्फ मैंने कहा कि आपको भी दिखा दूँ और ख़ुद को भी ये चीज़ तसल्ली करवा दूँ कि क्या हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो केक थे बहुत ही अच्छे प्राइस में मौजूद थे और उसके जो आप कहते हैं डेकोरेट किया हुआ वो भी बहुत ही डिसेंट था और मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे। दूसरे केक्स भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थी, तो मैंने और ज़्यादा तवज्जो नहीं थी बेक हम लोग ऐसे थे, बस इतनी यकीन हो गया कि मैं यहाँ से केक नहीं ले सकती क्योंकि मुझे कुछ शोर नहीं था इसमें क्या हम लोग कर सकते कि नहीं यहाँ से, तो बस दिखाने के लिए मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ कि इसमें और क्या है। और हाँ, इसमें मैंने ये चीज़ नोट की जहाँ पे आपको जो फ्रेश वेजिटेबल्स में थे ना कि फ्रोजन, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं यहाँ पे लिटिल बिट एक्सपेंसिव नस्बत के आप दूसरे शॉप से लें, तो मैं चाह रही थी कि फ्रेश वेजिटेबल्स लूँ। मुझे पम्पकिन चाहिए थी जो कि यहाँ पे थोड़ी बहुत रेट हाई थी नस्बता दूसरी जगह से, तो मैंने कोई बात ही बाद में लूँगी। और जो फ्रेश फ्रूट्स थे ये भी थोड़ा लिटिल बिट एक्सपेंसिव था, तो मैंने यहाँ से बस कहा कि देख सकते हैं भाई लेने की जो चीज़ें हैं वो मैं दूसरी शॉप से लूँगी, लेकिन बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के जो फ्रूट्स थे मौजूद थे, तो बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आई और आपको दिखा रही थी कि मैं जो व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि यहाँ के फ्रूट्स स्पेशल जो फ्रेश होते हैं इनके रेट्स क्या होते हैं। तो मैंने इसी वजह से इस जगह पे आई और आपको भी दिखा रही थी साथ में। तो ये आज का जो मेरा व्लॉग्स बहुत ही लंबा जा रहा था, मैंने कोई बात ही बना दूँगी तो एक पार्ट वन में शेयर करूँगी और पार्ट टू वीडियो में वो अलग से शेयर करूँगी। इस तरह से ज़्यादा लंबा इंसान भी बोर हो जाते हैं वीडियो देख के, तो मैं इस वजह से मैंने दो पार्ट्स किए हैं आज के, जो मैंने आपको कॉस्टको की जो विजिट कराई थी। तो अगेन यहाँ पे आ रही थी ये जो एरिया थी चीज़ की, मैंने कहा कि जो मोज़ेला या चेडर जैसे यहाँ पे अगर मौजूद हो तो मैं ले सकूँ, तो मुझे उतना मुझे नज़र नहीं आ रहा था, उतनी ज़्यादा वैरायटी थी, मैं कभी ढूंढने पे लग जाऊँ तो सारा टाइम इसी पे गुजर लेगा, तो बस मैंने कहा नहीं भाई जो चीज़ लिया वो काफ़ी है, अब चलते हैं थोड़ा बहुत आगे क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना था। यहाँ पे साइकिल्स जो बच्चों के लिए होते हैं, स्ट्रॉलर्स जो होते हैं, मुझे एक स्ट्रॉलर जो के लिए बहुत पसंद, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो ख़ुद भी चला सकती हैं और मैं भी उससे यूज़ कर सकती हूँ एज ए स्ट्रॉलर। तो मैंने कहा ये भी बेस्ट है कि भाई ये भी ले सकते हैं, बच्चे भी ख़ुद भी चलाएंगे और आपको इतना जोनी लगाना पड़ेगा कि आप उसे पुश कर लें और उतना हैवी वेट हो आप डील कर लें हैंडल करने में। तो ये थी सारी यहाँ पे राइडिंग्स की जो सामान थे, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो स्टॉलर्स हो, किड्स के लिए स्कूटी के अलावा जिसके जो इक्विपमेंट्स थे वो भी मौजूद थे, बहुत सी सारी चीज़ें जो कि मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी सेकंड पार्ट में। तो आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहे, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा पार्ट टू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।